अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाय दिस इज हीना, वेलकम टू अवर चैनल सुल्फास वर्ल्ड। आज के रेसिपी में हम बहुत ही डिलीशियस बिस्किट पुडिंग देखने वाले हैं। बहुत ही इजी भी है एंड थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। यह हमें चाहिए फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 थिकन क्रीम, फ्रेश क्रीम है ये। तो मैं इसको अभी यहाँ पे बाउल में ऐड करके इसको अच्छे से बीट करना है हमें। मैंने यहाँ अनस्वीटन क्रीम लिया है, तो अगर आप स्वीटन क्रीम ले रहे हो तो आप शुगर कम ऐड करना है। हम क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे। हम इसको डबल साइज़ या डबल टू ट्रिपल साइज़ आने तक हम इसको बीट करके लेंगे। अच्छे से फ्लफ़ी होना चाहिए, तो हम हैंड बीटर से, या आपके पास बीटर होगा तो आप बीटर भी यूज़ कर सकते हो। इसको बीट करने में अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगेगा, डिपेंड अपॉन योर पोटेंशियल। अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आप आराम से 12 to 15 मिनट्स में इसको बीट करके निकाल सकते हो। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हाथ में पेन होगा। अगर आपको हाथ में पेन है तो आप हाथ चेंज कर करके बीट कीजिए। यहाँ मैं 1 कप ऑफ कैस्टर शुगर ली हूँ। ऑलरेडी मैंने शुगर को ग्राइंड करके रखा हुआ था, तो ये 1 कप शुगर है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके 3 पोर्शन में ऐड करके इसको मैं बीट करने वाली हूँ। एक साथ ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करके इसको एक साथ अच्छे से बीट कर लेंगे। शुगर अच्छे से बीट करने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि स्वीटनेस बराबर है या नहीं, क्योंकि अगर आपने स्वीटन क्रीम लिया है तो शुगर ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखकर शुगर को ऐड कीजिए। अभी ऑलरेडी थिक कंसिस्टेंसी पे आ चुका है। अब इसके बाद हमें वनीला एसेंस ऐड करना है। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। अब फिर से अच्छे से हम इसको बीट कर लेंगे एक साथ। क्रीम को बीटते वक्त ध्यान रखें कि ओवर बीट ना करें। अगर हम उसको ओवर बीट करेंगे तो ये क्रीम फट जाएगा, तो हम उसको ध्यान से बीट करेंगे। एक बार ये फ्लफी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। अब ये डन हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है, हमें कॉफ़ी पाउडर लेना है। आप कोई भी कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ विथ वार्म वाटर। यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर यूज़ किया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप ऑफ वार्म मिल्क और 2 मैरी बिस्किट का पैकेट। आप कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हो मैरी गोल्ड के बदले। अब एक बाउल में हम बीटन क्रीम को ऐड करके उसका एक लेयर बना देंगे। अच्छे से अप्लाई करके हम एक थिक लेयर बना देंगे। अगर आपके पास कोई फ्लैटन बाउल ही या बॉक्स हो तो आप वो यूज़ करो, तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें फाइनली इसको फ्रिज में स्टोर करना है। तो आपके पास लिड वाला कोई भी बॉक्स हो तो आप उसमें ये कर सकते हो। अब मैं बिस्किट को वार्म मिल्क में डिप कर करके एक लेयर बनाने वाली हूँ बिस्किट का। क्रीम के ऊपर हमें इस तरह अरेंज करना है, तो हम सारे बिस्किट को डिप करके अच्छे से अरेंज कर देंगे। मैं यहाँ बीच में भी जो गैप है उसको भी फिल कर रही हूँ। मैं बीच में भी बिस्किट को डिप करके फिल करके ले रही हूँ। ये फर्स्ट लेयर अपना हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्रीम को ऐड करेंगे। वापस से क्रीम का हम सेकेंड लेयर बनाएंगे। इसी तरह आपको लेयर बनाना है, एक लेयर बिस्किट का और एक लेयर क्रीम का। क्रीम को हम अच्छे से इवनली स्प्रेड करके लेंगे। अब मैं यहाँ सेकेंड लेयर के लिए बिस्किट को कॉफी में डिप करके लेयर बनाने वाली हूँ। अगर आपको कॉफी का फ्लेवर पसंद नहीं है या आप कॉफी नहीं लेना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। सिर्फ वार्म मिल्क में भी डिप करके आप लेयर बना सकते हो। आप क्रीम के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको क्रीम फ्लेवर वाला चाहिए तो आप जब बीट कर रहे हो, बीट करते वक्त आप कोको पाउडर या फिर चॉकलेट सिरप ऐड करके आप चॉकलेट क्रीम भी बना सकते हो। डबल लेयर में, एक लेयर वेनिला का और एक लेयर चॉकलेट का, अगर वैसे भी आप करके डियो कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा जाएगा।
अब मेरा कॉफी का लेयर कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हम वापस से क्रीम का लेयर अरेंज करेंगे, वापस से एक लेयर क्रीम का बनाएंगे। इसी तरह आपको लेयर बाय लेयर बनाना है, एक लेयर बिस्किट का और एक लेयर क्रीम का। आप जितना लेयर चाहते हो आप उतना लेयर ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब मैं बिस्किट का थर्ड लेयर ऐड कर रही हूँ। बिस्किट डिप करते वक्त बहुत देर तक डिप मत कीजिए, बस हल्का सा डिप करके निकाल लीजिए, वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली टूट जाएगा, तो हमें लेयर बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो बस हल्का सा डिप करके निकाल लेना है। मेरा थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम बचा हुआ टॉपिंग जो है हम उसको ऐड करके इवनली स्प्रेड करके लेंगे। अब जितना भी क्रीम बचा है अब पूरा फाइनली आप ऐड कर देना ऊपर टॉपिंग में। अच्छा ज़्यादा होना चाहिए क्रीम, तो आपको अच्छा लेयर मिलेगा। फाइनल टॉपिंग को हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। मेरा टोटल 3 लेयर का बना है। अगर आपको और लेयर चाहिए तो आप और लेयर भी ऐड कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। आपको जितना लेयर चाहिए आप ऐड करते जाइए। एंड अब फाइनली हमें टॉपिंग ऐड करना है। मैंने टॉपिंग के लिए चॉकलेट सिरप यूज़ किया है। टॉपिंग आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हो, या फिर ड्राई नट्स यूज़ कर सकते हो, या फ्रेश फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, इस आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे कैरेमल नट्स यूज़ की हूँ, मैं जो घर में बनाई थी मैंने वो ऐड किया है। मैं यहाँ क्लिंग फिल्म रैप यूज कर रही हूँ इसे रैप करने के लिए। अब हम इसको 8 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था फ्रिज में, सो अब मैं इसे ओपन करके इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर का है, बहुत ही टेस्टी बना था हम लोगों का। ये रिजल्ट आपका स्वीट कार्विंग को फुल्ली सेटिस्फाई करेगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिए एंड कैसा है जरूर बताइए मुझे कमेंट में। एंड आई होप कि आपको ये बिस्किट पुडिंग रेसिपी पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो बाजू में बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए, सो आपको इंस्टेंटली हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।